अब आवाज आ रही है? ये सब कर रहा आवाज आ रही होगी शायद, तो उसका चक्कर हो गया। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को आवाज आ रहा होगा। चलिए ठीक है, और माफ कीजिएगा इतना देर। फिर चलिए, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लौट चुकी है? ये सवाल जो कि आपने थंबनेल देखा, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पक्ष रखे हैं अपने। वो पक्ष है पार्लियामेंट के। जैसे क्लास 6th एंड 7th के जो बच्चे हैं, उनकी एनसीईआरटी की किताब में भागवत गीता का संदर्भ पढ़ाया जाएगा, और 11th एंड 12th के जो संस्कृत की किताब है उसमें श्लोक पढ़ाए जाएंगे। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां इसे भगवाकरण बता रही है कि ये लोग शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। इसके साथ ही एक चीज और जोड़ रही है कि जब पढ़ाना ही है तो हर धर्म के जो टेक्स्ट है उनको शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस की इस डिमांड को मैं समर्थन करता हूं, पहले वाले का नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले तो पहले वाले का प्रचार प्रसार करेंगे कि कांग्रेस ने विरोध कर दिया भगवा का। दूसरे वाले का मैं समर्थन कर रहा हूं, दूसरे वाले का इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि एक जो अक्सर आप सुना करते हैं, सर्व धर्म बड़ा पाव, जो कि सर्व धर्म संभाव की बात लोग करते हैं, कई लोग जिनके अकॉर्डिंग सभी समान है, कुछ लोग गलत है, लेकिन ये पूछ दिया जाए कि कुछ वो जो अच्छे लोग हैं उनको सामने लाओ, उनका लिटमस टेस्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं मिलते। लेकिन अफसोस इस बात की है कि चलिए सबको शामिल भी कर लिया गया, तो ये लोग जो कंट्रोवर्सीज है, ऐसा नहीं है कि आसमानी किताब में सारी बातें गलत लिखी है, उसमें कंट्रडिक्शंस है। जैसे कुछ अच्छी बात बताई जाएंगी तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज को चलाना है तो दोनों को मिक्स करके चलना पड़ता है। जिस चीज को लेकर याचिका डली थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और 50,000 का जुर्माना भी लगाया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के ऊपर, वो सारी बातें अगर लिखेंगे भी ये तो नहीं उसमें शामिल करेंगे। आइडियली अगर उसको शामिल किया जाता है तो मैं कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करता हूं कि अन्य लोगों के, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि बचपन से ही लोगों को पता लग जाएगा, तो ये जो तमाम जो घटनाएं देख रहे हैं, शिक्षा नीति एक बहुत बड़ी चीज है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और उसी का परिणाम है कि जो रोज अगर जिक्र करे तो 50 घटनाएं आ जाती है अलग अलग तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो पाती, और ये सारी घटनाएं जो आम हो गई। अब है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पक्ष रखा है कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, तो खैर अब इससे ज्यादा कुछ बोलने का मतलब है नहीं, क्योंकि देखिए बातें तो ये बहुत अच्छी अच्छी करते हैं और कई बार ये संसद को भी गुमराह कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इन्होंने संसद भवन में कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर से पलायन नहीं हुआ, जो कि आप पता नहीं कल या परसों का बयान है मनोज सिन्हा का, जो लोग कश्मीर में जिनको प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज के तहत नौकरी मिली थी वो वहां जाना नहीं चाहते टारगेट किलिंग की वजह से, वो लोग अभी धरना दे रहे हैं, उनकी सैलरी होल्ड कर दी गई। लोगों का पलायन हुए लेकिन केंद्र सरकार ने संसद को भी गुमराह कर दिया, जबकि आमतौर पर ये नहीं होता था कि संसद में कोई भी सरकार झूठ बोले। और भी मामले गिना देता हूं आपको, बीजेपी के प्रवक्ताओं को अक्सर आप सुनेंगे टीवी डिबेट्स में बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, अगर किसी ने सुना है तो आप बता दीजिए तो थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो बताते हैं कि 2016 से लेकर 2020 तक 3400 दंगे हुए। तो ये लोग मतलब क्या कहें, हर जगह कुछ ना कुछ
मतलब इस तरह के काम करते ही हैं कि जैसे इनका एजेंडा भी चलता रहा। और देखिए बातें तो खैर कुछ भी हो, अब जैसे कांग्रेस ने विरोध कर दिया तो इनके लिए प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस ने विरोध कर दिया और हम करना चाहते थे, अब पता नहीं ये कर दे तो उस दिन और अच्छे से प्रशंसा की जाएगी। चलिए दूसरा मामला, ये लोग FCRA को लेकर गंभीर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट, जिसे कांग्रेस ने 2010 में बनाया था। अब कांग्रेस ने क्यों बनाया था, कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी या है, खैर अब तो बीजेपी के भी मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहां कोई रोक है, लेकिन इनका जो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन था उसको लेकर कांग्रेस बहुत सॉफ्ट रही। ठीक है, उनका जो वोटर था तो वोटर के पक्ष में वो बयानबाजी करते रहे, जैसे कि बीजेपी भी तो करती ही है, तो उन्होंने अपने वोटर से, अगर उनके कोर एजेंडा में आप देखेंगे तो कांग्रेस के कोर एजेंडा में क्रिश्चियनिटी था। तो अब अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये मोदी सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो लोग डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं या फिर उसके जरिए सोशल डिसहार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और विदेश से आने वाला एक पाई भी जो कि अवैध है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रग्स को लेकर भी उन्होंने पक्ष रखा कि ड्रग्स से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और इससे जो मुनाफे हो रहे हैं वो आतंकवाद में लगाया जा रहा है, जिसे मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, और 12 राज्यों की मैपिंग चल रही है, 2 साल के अंदर जितने भी इस धंधा में लिप्त हैं उनको जगह सलाखों के पीछे होगा। अभी हाल में गुजरात में एक पोर्ट पे पकड़ा गया था, कई मामले वैसे सामने आ गए, क्या हुआ उस मामले में, रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला आप सभी को याद ही होगा, और वो मोदी जी का भाषण कि बस एक बार, 2019 में तो ये बता दिया था ना शायद कि अब गेट तक पहुंचा दिया हूं, बस अगली बार आ गया तो वो हवालात में मिलेंगे। लेकिन ये लोग गांधी फैमिली का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे जो वजह मैं आपको आगे बता दूंगा क्यों नहीं कर पाएंगे। एक शुरू में कमेंट आया था, इसका भी ये पहले उत्तर दे दूं, एक ना मोदी जी की ड्रेस को लेकर कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी देखिए इस पॉलिटिक्स ने किया है, और ये मैं सबको जिम्मेवार मानता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये लोग क्या करते हैं एक दूसरे का ड्रेस निकालकर और फिर उसका वो कहीं ऑनलाइन साइट पे अगर वो अवेलेबल है दोनों को ये लोग मैच मतलब एक साथ लगाते हैं और बताते हैं कि देखिए ये कितने फकीर आदमी है, गरीब आदमी है, इतने का पहन रहा। तो मोदी जी का जो ड्रेस था जो कि शिलोंग में पहना हुआ था उन्होंने, तो उसमें क्या हुआ कि एक लेडी का ड्रेस वैसा ही मैच हो रहा था, जिसको मोदी जी ने पहना हुआ था वो लेडी का ड्रेस मैच हो रहा था। इसको लेकर कीर्ति झा, हालांकि मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज आए थे, इसको लेकर कीर्ति झा आजाद ने शेयर किया और लिखा कि ये पता नहीं ये नर है ना, ऐसा करके कुछ लिखा था ऐसा। तो अब जो आदिवासी समाज है उनके खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, मतलब बीजेपी का जो ST मोर्चा है, क्योंकि इससे आदिवासियों का अपमान हुआ। तो देखिए ये जो SC ST एक्ट है कितना बड़ा हथियार हो गया। पहली बात की मोदी जी SC ST से तो बिलोंग करते नहीं है, और कीर्ति झा आजाद ने जो लिखा है तो उसमें आप ये देखिए कि उन्होंने ड्रेस का कंपैरिजन किया, जो कि बीजेपी वाले भी राहुल गांधी का करते हैं, कांग्रेस वाले भी इनका करते हैं, तो देखिए अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब बयानबाजी इधर से होगी तो उधर से भी होगी, तो हर एक्शन के रिएक्शन तो होते ही। तो अब इसके जरिए उनके ऊपर क्या तो SC ST एक्ट का मुकदमा लगाया जाएगा, तो सोचिए कि इस कानून का लोकल स्तर पर कितना दुरुपयोग हो रहा है, तरह तरह के मामले सामने आते रहे, कई जगह ऐसे भी हुए कि किसी को मारा पीटा गया ऊपर से SC ST एक्ट लगा दिया। एक दीपाली चौहान के का शायद, दीपाली चौहान करके थी,
जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारना पड़ा था। तो अगर कोई पॉलिटिशियन SC ST से भी है तो वो एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो फिर तो अगर आप किसी को गाली देते हैं तो सुनने का तो अधिकार होना ही चाहिए ना आपके पास, क्षमता तो होना ही चाहिए। या फिर ऐसा है कि कुछ कि आप देंगे तो ठीक है, दूसरा देगा तो खराब है। तो एक जैसा कि मोदी जी खुद को OBC बताते, तो ठीक है अगर OBC हैं तो क्या OBC के ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कितना इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग घरे बिक गए, कई जगह तो लड़कियों को थ्रेट दिया जाता है कि तुम मेरे से मतलब विवाह कर लो या तो या फिर तुम्हारे ऊपर SC ST एक्ट लगा दू। तो इतना मिसयूज हो रहा है और कितना ये डिविजिव पॉलिटिक्स है और ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो इसको षड्यंत्र के देखता हूं, क्योंकि मोदी सरकार देखिए पहली बात पिछले 1000 साल का इतिहास उठा कर देखिए, 70 साल में जितना लोग बट गए उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों की भी सरकार रही, इतने सालों में जितना लोग बट गए, जो कि अक्सर आप पूछिए किसी से जो इस तरह की बातें करता है तो वो अपने 5 पीढ़ी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन उसको 50 पीढ़ी पहले का प्रताड़ना याद है। पीढ़ी का नाम याद नहीं है लेकिन प्रताड़ना याद है। तो उस परिस्थिति में भी लोग रहे, एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद जो ये जय भीम जय मीम वाली जो बात की जाती है, तो मुगल काल इतने दिन रहा, इतना सद्भाव था, इतना ये था, तो उन्होंने इनकी परिस्थिति में क्यों नहीं, जो भी इनके स्थिति थी उसमें बदलाव क्यों नहीं किया। तो उस परिस्थिति में भी लोग इतने आक्रमण झेले फिर भी लोग धर्म से अलग नहीं हुए। लेकिन यहां पर आप देखिए कि मोदी सरकार आने के बाद तो जय भीम जय नीम का जो मूवमेंट है, और हालांकि कई बार मोदी जी खुद भड़काते हैं लोगों को, एक वीडियो है मैं फिर से शायद टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, जो भारत माता की जय इनका मतलब एक पेटेंट है, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, इन्होंने उनको रोक दिया, जय भीम जय, ये जय जय भीम करने लगे। तो इन्होंने तो मतलब पूरी तरह से जो बोलते हैं ना कि समाज को डिवाइड कर दिया, वो काम किया। तो ये लोग अब FCRA की भी बात कर रहे हैं, भागवत गीता की भी बात कर रहे हैं। अभी हाल में मैंने आपसे चर्चा किया था केरल का, लेकिन अब उसमें तमिलनाडु को भी ऐड कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो क्रिसमस के दिन जो भी ईसाई कम्युनिटी है उसके बीच अपना पहुंच बनाना चाहती है, और ये लोग स्नेह यात्रा कर उनको गिफ्ट देंगे, विश करेंगे, और हद तो तब हो गई कि तमिलनाडु में जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने हर कम्युनिटी के जैसे कि दीनी समाज के और क्रिश्चियन समाज को लेकर साथ में आए स्टेज पर, वो मैं आपको शेयर करूंगा देखिएगा। तो क्या किया कि इन्होंने उनको साथ लेकर आया और बोले कि DMK जो है वो विभाजनकारी राजनीति कर रही है, तो अब तो यहाँ सेकुलर बनने की होड़ है। अब मैंने एक RSS का पोस्ट डाला था, कुछ लोग पूछ रहे थे इसका लिंक कहाँ मिलेगा। ये देखिए RSS या किसी के बारे में अगर आपको लिंक ढूंढना है तो उस तरह की ना दसों मिल जाएंगे, ये लोग कहाँ कहाँ मीटिंग करते हैं, तो आराम से अपना गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। मैं क्या कोई न्यूज तो बनाता नहीं हूँ, आप वहां से इजिली सर्च करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल भी मिल जाएंगे जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं, इनकी बातों में संदेह क्यों होता है, जैसे कि अभी हाल की 21 दिसंबर की बात है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। इनके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि ऑल इंडिया बिशप कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मार्क सॉरी आर्क बिशप से ये मोदी जी की मुलाकात कराते हैं। और एक चीज आप पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं कि जाकर पोप से मिलते हैं, एक और भी मैंने फोटो शेयर किया था जो कि देश का प्राइम मिनिस्टर किसी मौलाना के सामने वो रेड कारपेट पे चल रहा है और ये नीचे चल रहा है, लेकिन यही मोदी जी जो कि हाँ उसका पहले एक बार पूरा नाम याद आ गया, थोड़ा सा इनका नाम भी अजीब सा होता है, याद नहीं होता। हाँ
आर्क बिशप एंड्रयू करके, जो कि प्रेसिडेंट है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने जो अपना रंग दिखाया कि देखिए ये बिशप से किस तरह से मिलते हैं, दूसरी तरफ दीनी लोगों से कैसे मिलते हैं, लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी, आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ, किसी भी शंकराचार्य को इनवाइट नहीं किया गया था, पता नहीं कहीं जूता पहनकर चले गए थे, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई कई ऐसे फोटोज हैं, आप खुद सर्च कीजिए, जो पुजारी है वो नीचे बैठे होते हैं, ये ऊपर बैठे होते हैं। तो मतलब ये देखिए कि इनका मतलब किस तरह का समर्पण है कि उन लोगों के पास इस तरह से मिलते हैं। इवन जो सिख डेलीगेशन है उनके साथ भी देख लीजिए, लेकिन जहां मामला आता है हिंदू का, ये लोग खुद को भगवान समझ बैठे। इनके नेता तुलना कभी भगवान राम जी से तुलना कर देते हैं, कभी कृष्ण जी से, कभी ब्रह्मा जी से, कभी किसी का अवतार बता देते हैं, कभी गांधी जी का अवतार मतलब नए राष्ट्रपिता बता देते हैं। और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए मोदी जी खुश होते हैं, इस तरह की प्रशंसा अगर होती है तो खुश होते हैं, अगर खुश नहीं हो रहे होते तो किसी को समन भेजते, उसकी फटकार लगती, तो अगर फटकार नहीं लग रही है तभी तो इस तरह के मामले दोबारा दोबारा हो रहे हैं। तो इन लोगों ने खुद को अपना मतलब खुद को अपना भगवान घोषित कर लिया, अपने आप में स्वयंभू भगवान बन गए। तो इस तरह से देख कर ये लगता है, जो आप जाकर इससे पोप से मिलते हैं, फिर इधर से बिशप से मिलते हैं, तो आप FCRA को लेकर या फिर धर्मांतरण को लेकर कहीं से चिंतित हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये आपकी बातें हैं और इन बातों का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में बोला हूं कि इनका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी 2024 आने वाले, इस तरह के मुद्दे सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा बदलाव मैं देख रहा हूं कि अब लोगों ने थोड़ा बयानों के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है, खास करके अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें जो चुनाव परिणाम सामने आए, तो ये तो कम से कम बताने के लिए काफी हो जाता है कि अब लोग थोड़ा बयानबाजी के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। अब बात आती है PFI की। अब PFI जो है, PFI को बैन किया गया, उसके साथ और कई संगठन को बैन किया गया, लेकिन जो दूसरा उसका जो पॉलिटिकल विंग है, क्या नाम है उसका, SDPI, उसको बैन नहीं किया गया। अब जो SDPI है उसके पीछे मास्टर स्टॉकवादियों की तर्क है, जो कि देखिए मास्टर स्टॉकवादी तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है, जिसकी बहुलता है, वो मुश्किल से हाई स्कूल पास होंगे या +2, जो कि जिनकी संख्या ज्यादा है। दूसरे हैं जो डरे हुए, तीसरे हैं बिके हुए। तो अभी इन्होंने क्या बताया कि SDPI को बैन नहीं किया जा सकता था, जो कि UAPA के तहत किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन किया जा सकता है, उसकी अगर इलीगल एक्टिविटीज है, वरना भारत में 5400 पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद क्या उसको लाइसेंस मिल जाता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज करे? और UAPA के तहत जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें ये प्रोविजन है कि उनको बैन किया जा सकता है। अब तो ये तो रही SDPI, उसको क्यों नहीं बैन किया गया, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, अजीत डोवाल और मोहन भागवत, उस समय ये लोग पता ही हैं किससे मिल रहे थे, तो ऐसा कौन सी ऐसी वार्ता चल रही थी और उसको बैन होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ? पहली बात मैं जानना चाहता हूँ। देखिए देश में छोटी सी छोटी कोई घटना हो जाए तो इतना आउटरेज हो जाता है, सड़क पर निकलते हैं, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि कहीं से कोई रिएक्शन नहीं हुआ? दूसरी चीज कि उन्होंने कोर्ट जाने की बात नहीं की। अब उस PFI को लेकर खुलासा जो हुआ कि उसके लिंक ISIS से और अलकायदा से हैं, और वो छोटे छोटे संगठन बनाकर भी काम कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि अभी उनका काम रुक गया है,
लेकिन कोची के एक अदालत में एनआईए ने जो पक्ष रखा है कि जो हिंदू में जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जैसे कि मैं आपको जो लोग प्रभावित करते हैं किसी में, चाहे वो सोशल मीडिया हो कहीं से भी हो, वो लोग उनके निशाने पड़ते हैं कि उनको खत्म कर देना। अब उनको लिए 90 दिन का और समय मिल चुका है कि अभी अभी उनसे और भी जो उगलवाए जा सकते हैं वो उगलवाया जाएगा। लेकिन ये चीज जो है ना, यहां मैं डिसएग्री करता हूं। कोई ये बोले ना, जैसे भारत में कोई घटना होती है, बोला यार इसका ना पाकिस्तान में लिंक है। अब भारतवर्ष को किसी भी चीज के मामले में पाकिस्तान से, सीरिया से सीखने की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत पड़ सकती है। और जो PFI है वो इंडिया का ISIS है, उसको किसी से लिंक करने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो लिंक करते हैं तो मतलब ये होता है कि ध्यान भटकाने की ये कोशिश होती है। जैसे कोई भी मामला उठा कर लीजिए, भारत में होता है, बोलते हैं इसका ना पाकिस्तान से लिंक, मतलब आप उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। जस्ट लाइक किसी का मर्डर हो गया, मर्डर हो गया आपने, मतलब कुछ लोगों का नाम दिया तो केस मजबूत होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपने नाम देना शुरू कर दिया ना तो वो केस ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। अब किसी बार ऐसा होता है कि 50-100 लोगों का नाम आपने दे दिया तो फिर किसी को सजा नहीं होगी। और ये लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे इनकी क्या, मतलब जो भी देखिए, जो कोई भी संगठन है इसके ऊपर तो लोग बात करते हैं कि हाँ इसको करवा दिया, और मास्टर स्ट्रोक वादी ये भी बता रहे कि मोदी जी ने PFI को बैन कर दिया। तो आपने बैन कर दिया उसके बाद क्या ऐसा हुआ? मेरा फिर से सवाल जो करते हो कि उनके अंदर से कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, जो मतलब जो संगठन एक प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। मैं नहीं कहता कि हर कोई उस कम्युनिटी का PFI का मेंबर है, लेकिन हो ना हो जो PFI की आइडियोलॉजी है वही बाकियों की भी है, वो उसे असहमत नहीं है। मीडिया में कुछ बयान आ जाते हैं और ये बताया जा, अब जैसे मास्टर शो का ये भी बता दे, आपसे ही बोलते होंगे कि अच्छा लोग अब साथ आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जो प्रयोग पहले भी होते रहे हैं और आज तक सक्सेस रेट की बात करेंगे तो 0 है, तो फिर आप कैसे आप भरोसा कर लेंगे कि वो कुछ बदल सकते थे? कि वो कहीं कुछ नहीं बदलने वाले। गांधी ने भी किया था, राजा दाहिर ने भी किया था, पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था, परिणाम क्या रहा सबके सामने। तो ये बोलेंगे ना कि 2 कम्युनिटी 3 कम्युनिटी 4 कम्युनिटी साथ आ रही है, ऐसा नहीं है। और जो प्रयोग चल रहे हैं देश में, अभी ये कंपटीशन चल रहा है। देखिए एक चीज तो है कि हिंदू इससे बाहर हो चुका है, अब कंपटीशन चल रहा है। देखिए क्रिश्चियनिटी का जो पूरा जो उनका बिजनेस है, वो बिजनेस है कन्वर्जन का, वो कितने लोगों को कन्वर्ट करा पाते हैं, ये उनकी मजबूती है। दूसरी तरफ कितना बच्चा पैदा कर सकता है वो उनका स्ट्रेंथ है। तो इनके बीच कंपटीशन है कि कौन सा देश पहले बना लेते हैं, क्योंकि BJP RSS पूरी तरह से इनके सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर दूंगा, इनके एक्सप्रेशन देखिए, उससे ज्यादा तय होता है। अगर इसके बाद भी अगर तय नहीं होता तो भला मैं और कोई और क्या कर सकता है। और कौन सा पूछ रहा है कि विशाल भाई आज एक ब्रेकिंग न्यूज का पता चला है कि मुस्लिम लोग भारतीय इच्छा रखना RSS के व्लादिमीर द टर्मिनेटर। अच्छा हाँ, वो भी मैंने भी शेयर किया था। वो एक्चुअल में क्या था ना कि देखिए अभी क्या है कि वैसे देखा जाए तो जो झूठ होता है ना, झूठ पाखंड, वो कितना भी बड़ा हो, उसका कितना बड़ा भी एम्पायर हो, तो उसको डर हमेशा बना होता है। वही स्थिति है जिनकी। अब हम लोगों की एक छोटी सी आवाज है, अब इसके पीछे लोग को क्या कहे, छोड़ो लोग करें कुछ नहीं करते।
अब YouTube जितना हम लोगों के ऊपर मेहरबान है, हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्राइक आना या आम बात है, दिनचर्या का हिस्सा बन गया। तो रीच वैसे डाउन कर दिया, नहीं तो पहले वाली होती तो और लोग बिलबिलाते। और भी एक एक दो लोग हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, अच्छी तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, तो अभी इनके अंदर क्या हो गया कि बिलबिलाहट हो गई। जो संगठन 1925 में बना, जिस संगठन का मुखिया कहता है कि उनके बिना हमारा हिंदुत्व अधूरा है, तो आपका कौन सा हिंदुत्व है जो उनके बिना अधूरा है? यानी कि 1400 साल पहले कुछ था ही नहीं, यानी कि दुनिया 1400 साल से शुरुआत हुई। आपके संगठन का मुखिया कहता है कि आप 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाइए। मतलब क्या 50 साल के लिए आप भूल जाएंगे, उसके बाद आपको कोई याद दिलाने वाला नहीं बचेगा। अब ये लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं कि अतिवादी और नौ हिंदुत्ववादी। जब ये लोग विपक्ष में थे तो यही बात ये लोग करते थे, आप कह रहे हैं आप पुराने हिंदुत्ववादी हैं, आपकी सर्टिफाइड दुकान है, हमारी तो कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, न भविष्य में हो सकता है, लेकिन आप पुराने वाले हैं जैसा कि आप दावा करते हैं। तो आपने उस चीज की तिलांजलि दे दी, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप उन चीज से अलग हो जाओ, जिसके खिलाफ आपने लोगों को भड़काया उसकी वजह से आपको सत्ता मिली। आज आपको सत्ता मिल गई तो आप डीएनए तलाशने लगे, आप मंदिर टूटते हैं वहां चुप्पी से आते लेते हैं, कहीं किसी की हत्या होती है वहां बोलते नहीं है, और हम बोलते हैं। तो अगर किसी के लिए बोलना अतिवाद है तो हमें इस बात का गर्व है कि हाँ मैं अतिवादी हूं और मेरा डीएनए इनके डीएनए से मैच नहीं करता, और आपका भी नहीं करता होगा मेरे ख्याल से। आप जितने लोग देख रहे हैं आप लोग किसी का भी मैच नहीं कर रहा। और देखिए ये तो एक प्रयोग चल रहा है, ये प्रयोग है किस तरह का, इस प्रयोग के तहत ये हो रहा है कि शत्रु बोध समाप्त किया जा रहा है। और ये शत्रु बोध जो समाप्त करें, देखिए अभी बिलबिलाहट ही कह सकते हैं ना, इतना बड़ा संगठन वो क्या करता है। हम लोग एक दो सीरीज हमने किया, अभी हाल में किया था, आपने देखा होगा, तो उतने बड़े संगठन से जुड़े हुए लोग, पता नहीं आप में से किसी ने देखा होगा, तो लोग उनको गाली दे रहे हैं। अगर हम झूठे होते तो हमें ये नहीं होता कोई बोले अगर यार झूठा कुछ झूठ बोल रहे हो, अगर हम झूठे होते तो हमें कोई सुनता नहीं, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि इसके लिए वो बकायदे अपनी सफाई व्यस्त कर रहे हैं। तो ये तो हमारी बहुत अच्छी बड़ी जीत है, और ये बढ़ते रहना चाहिए। अगर ये सोचिए कि अगर इस तरह से और ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार हो जाए तो इनकी क्या स्थिति होगी, दो ही स्थिति होगी इनके साथ, या तो ये लोग घर वापसी करेंगे या तो पुनः पूरी तरह से आपवासी करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है और मैं हमेशा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दुश्मन से ज्यादा खतरनाक गद्दार होता है। आपने किसी को सुरक्षा गार्ड रखी है, वही आपके दुश्मन से मिला हुआ है, तो क्या आप उस घर में सुरक्षित हैं? नहीं रह सकते। तो अगर इस तरह की बातें करना जो आप लोग करते थे, आप लोग विपक्ष में थे तो लोगों को भड़काते थे कि हम आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, आ जाएंगे तो वो कर देंगे, आपको आज सत्ता मिल गई आपके पास, आपको क्यों टेंशन होगी? और आपने तो ये साबित कर दिया कि कोई कमजोर आदमी के पास अगर सत्ता मिल जाए फिर भी वो मजबूत आदमी गुलामी करता है। आपने कौन सा ऐसा काम किया जो उससे उनकी भावनाएं आहत हो? आप तो हमेशा आते हैं कुछ दिन के बाद, एक चीज आप देखिए यहां पर मोहन भागवत जो है, किसी की हत्या होती है तुरंत जब जहां लगता है कि देखो अब मजहब गिर गया, मोहन भागवत जी बैट लेकर उतरते हैं बैटिंग करने और वहां पर डीएनए तलाशने लगते हैं। हमें डीएनए से क्या लेना देना? अब एक बात बताइए, एक परिवार होता है, आप अलग अलग हो गए, एक दो जनरेशन के बाद कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर भी अलग सा ही मामला हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि आप खुद एक परिवार के हैं, आप अलग हो गए, क्या कभी ऐसा समय आ सकता है कि दोबारा आप एक में हो जाए? ऐसा नहीं होता है। और ये भाईचारा मिथ है और कुछ नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानता।
लेकिन नहीं, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप क्रिकेट खेलने जाएंगे तो फुटबॉल के रूल फॉलो नहीं कर सकते। सामने वाला कट्टर है तो आपको भी कट्टर बनना पड़ेगा। जिसकी कट्टरता ज्यादा होगी उसकी विजय होगी, सिंपल सी बात है। आपकी संख्या कितनी है ये मैटर नहीं करता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप साहस कितना रखते हैं। जब बात कट्टरता की है तो आप अगले वाले से ज्यादा कट्टर होंगे तो उसकी कट्टरता आपके सामने बहुत ही बढ़ जाएगी। लोग बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का सिंपल सा तरीका है, किसी को हमें पीछे नहीं खींचना, हम खुद आगे चले जाएंगे। हम इतना आगे चले जाएंगे वो खुद पीछे चला जाएगा। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूं। तो जो जिस तरह का माहौल है हमको उस तरह से जीना पड़ेगा। कोई बोलता है नहीं हम यहां पर ये हो गए, क्यों हो गए? जब दूसरों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए तो शुरुआत खुद से करनी चाहिए। प्रैक्टिस जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ती। अब उसके लिए क्या करता है अतिवादी बता रहा है, अरे भाई कुछ भी कहो लेकिन ये बताओ कि ये सब जो लगातार आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है ऐसा वजह? अब सवाल तो लोग पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे नहीं मानेंगे कि आप ख्वाब दिखाते रहे। कभी आप कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, कभी कहते हैं कि पहले से है, कभी कहते हैं कि संविधान, जैसे कि पहले ये लोग संविधान को उतना नहीं मानते थे, अब बोलते हैं कि सर्वोत्तम ग्रंथ है। अब आपका इनके नेता है, जल शक्ति मंत्री हैं शायद, कोई शेखावत करके है, नाम बोल रहा हूं मैं, पूरा नाम उनका क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो मोदी ये कौन सा है कोई मीट करके की किताब आई, उसको इन्होंने बताया कि वो भागवत गीता के समतुल्य होगा। तो आप हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उसके अलावा आप मंदिर टूट रहे हैं। तो हमें बोलने के लिए किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और ये हमारे कॉमन चीज है। अगर किसी के भगवान की बात आती, भगवान तो भाई मेरे भी है, आपके भी है, उनके भी है, सबके है, तो वो ऐसा तो नहीं कि मेरे से अप्रूवल लेगा, मेरे से परमिशन लेगा तब वो कुछ बोलेगा। उसकी भावनाएं हाथ हो रही, वो बोलेगा, उसके उसकी बातों में सच्चाई होगी, 10 लोग उसको पसंद करेंगे, नहीं होगी लोग उसको ये कर देंगे। लेकिन आप लोग सारा काम दूसरे तरफ करते हैं। अब क्या होता है कि कॉरिडोर के नाम पर भी लोगों को बरगलाया जाता है। देखिए अभी जैन समाज को देख लीजिए, उन्होंने विरोध किया कि टूरिज्म नहीं बनने देंगे, नहीं बनने दिया, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि नहीं टूरिज्म हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, विकास होगा। अरे विकास से तुमको क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मतलब है कि वहां क्या हो रहा है, मेरे को ये मतलब होना चाहिए ना पहले। देखिए पहली बात है, संघियों ने लोगों के माइंड को इस तरह से स्पॉइल किया कि पहले देश फिर मेरा समाज उसके बाद में, क्या ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है क्या? जो व्यक्ति खुद सुरक्षित नहीं है वो क्या अपने, उसका समाज क्या बचेगा, देश क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो पहले लोगों को खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है। जो खुद मजबूत है उसका परिवार भी मजबूत होता है, जिसका परिवार मजबूत है वो समाज भी मजबूत होता है, समाज मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक देश मजबूत हो जाएगा। क्या जो कश्मीर के हिंदू हैं शरणार्थी कैंपों में, क्या वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है? राष्ट्र भी है लेकिन वो कहाँ है? अभी क्या होता है कभी इंटरनेट को लेकर ये हो जाता है कि 4 महीने से इंटरनेट बैन हो गया, 3 महीने से बैन हो गया, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि उन्होंने 30 साल से अपने घर नहीं देखे, उनके घरों के ऊपर कब्जा हो गया। और अगर ऐसे चीजों के ऊपर बोलना अतिवाद है तो अतिवाद, अतिवादी मैं भी हूं और आपको भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये चीज नहीं चलेगा कि आप मतलब माहौल कुछ और बनाए और अंदर अंदर काम कुछ और करें। अकाउंटेबिलिटी सबकी है, ये डेमोक्रेसी है, जो आपको समर्थन करता है उसको विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका विरोध का आधार क्या है। उस आधार पे कर रहा है तो देखिए पहली बात की ये सबकी जीत है कि उन लोगों को सफाई देना पड़ा, और भविष्य में ऐसे बहुत से मौके आने वाले हैं जो अभी वो और बिल बिलाएंगे,
और ये बिलबिलाहट उनकी जारी रहेगी और जारी रहना भी सही है, क्योंकि ये जो झूठ पाखंड है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। किसी का लड़का फेल कर रहा है तो उस कॉलेज की जिम्मेवारी है कि आपके घर पे उस पेरेंट्स को बुलाकर उसका रिपोर्ट कार्ड सौंपे, ताकि उसके माँ बाप को पता लगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। समय रहते अगर किसी चीज में सुधार हो जाता है तो सुधार हो जाता है, नहीं तो अगर फिर समय निकल गया तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो इस तरह का अतिवाद जारी रहेगा। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।